वेलकम एवरीवन। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर, या हम लोग इन अदर वर्ड्स इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सेंसिटाइजेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स वाया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है ना। तो अभी के हम लोग लेक्चर में देखेंगे कैसे करके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का रेगुलेशन होता है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्या चीज़, सेंसिटाइजेशन के बारे में और डिसेंसिटाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है ना। पहले अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये सेंसिटाइजेशन या डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है उसको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी हम लोग जानते हैं सेंसिटाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, सेंसिटाइजेशन याद रखना कि वैसा फेनोमेनन होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे अगर रिसेप्टर जो कि मेनली क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ही है, अगर मान लो कि रिसेप्टर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में, या हम लोग बोल सकते हैं लाइगेंट के प्रेजेंस में रिसेप्टर अगर रिस्पॉन्ड करता है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे कि सेल्स के अंदर क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, तो उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे सेंसिटाइजेशन, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि अगर रिसेप्टर रिस्पोंड करता है किसके प्रेजेंस में, सेल्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में या लाइगेंड के प्रेजेंस में, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि सेल के अंदर सेलुलर रिस्पॉन्स होगा। तो अगर सेलुलर रिस्पॉन्स हो रहा है तो उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटाइजेशन, ठीक है। और वैसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटाइज्ड रिसेप्टर्स या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो बताने का मतलब क्या हो गया, देखो बताने का मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या जानते हैं कि मान लो कि ये सेल का क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्या टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और हम लोग जानते हैं कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसका मतलब इसमें क्या रहेगा, जी प्रोटीन भी रहेगा। तो यहाँ पर मैं केवल जी प्रोटीन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसका 3 सब यूनिट्स होता है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। मैं यहाँ पर जी प्रोटीन लिख रहा हूँ, और वो जी प्रोटीन किससे जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे जी डी पी से जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे एक इफेक्टर मॉलिक्यूल भी रहता है, ये इफेक्टर हम लोग बोलेंगे एंजाइम रहता है, ठीक है। जिसको मैं लिख रहा हूँ इफेक्टर एंजाइम, ठीक है। यही क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो गया, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो सेंसिटाइजेशन का फिनोमिनन क्या बोलता है, सेंसिटाइजेशन का फिनोमिनन ये बोलता है ना कि अगर कोई भी लाइगेंड, ठीक है, अगर कोई भी लाइगेंड, ठीक है ना, जो हम लोग बोलेंगे इस रिसेप्टर के प्रति क्या हो, स्पेसिफिक हो, अगर वो लाइगेंड अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है, तो ये रिसेप्टर क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और एक्टिवेट होने के बाद हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर किसको एक्टिव करता है, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन को ये करता है, एक्टिव करता है। कैसे, हम लोग बोलेंगे ये जीटीपी को किस में कन्वर्ट करा के, जीटीपी में कन्वर्ट करा के, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्चुअल में अल्फा जो सब यूनिट होता है ना जी प्रोटीन का, वो एक्टिव होता है। अब जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिव होता है, जी प्रोटीन क्या करता है, इसके बगल में जो इफेक्टर एंजाइम प्रेजेंट है उसको क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग बोलेंगे इफेक्टर एंजाइम एक्टिव होता है, तब जब हम लोग बोलेंगे कि क्या बनता है, सेल के अंदर इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग साइक्लिक एएमपी भी बोलते हैं, ठीक है। और भी हम लोग बोलेंगे सेकेंड मैसेंजर्स बनता है, ठीक है ना। अब ये जो इंट्रा सेलुलर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जिसको हम लोग सेकेंड मैसेंजर भी बोलते हैं, ये इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के कारण सेल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स कॉज होता है, ठीक है, या रिस्पॉन्स सेलुलर रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। तो ऐसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे रिसेप्टर को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेंसिटाइज्ड रिसेप्टर्स, या हम लोग बोलेंगे GPCR, सेंसिटाइज्ड GPCR, ठीक है, ये रिसेप्टर को बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो, और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेंसिटाइजेशन, ठीक है। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिटाइजेशन।
ध्यान से देखो, बताने का मतलब हो ये रहा है कि सेंसिटाइजेशन में क्या हो रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है, जी प्रोटीन को एक्टिव कर रहा है, जी प्रोटीन इफेक्टर एंजाइम को एक्टिव कर रहा है, इफेक्टर एंजाइम क्या कर रहा है, सेल के अंदर सेकेंड मैसेंजर बना रहा है या इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बना रहा है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे कि सेल में क्या हो रहा है, सेलुलर रिस्पॉन्स हो रहा है, सेलुलर फंक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर क्या है, हम लोग बोलेंगे एक्टिव है। कब ये रिसेप्टर कब एक्टिव है, जब इससे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड किया, ठीक है ना। तो जब भी कभी रिसेप्टर एक्टिव है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, सेलुलर रिस्पॉन्स हुआ, तो उस इंटायर फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटाइजेशन। और इस रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिटाइज्ड रिसेप्टर, या हम लोग बोलेंगे सेंसिटाइज्ड GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है ना। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, सेंसिटाइजेशन का मतलब मैंने यही लिखा है कि जब भी कभी रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे लाइगेंड से बाइंड करता है, तो वो क्या कराता है, तो वो रिसेप्टर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे सेल्स में क्या होता है, सेलुलर रिस्पॉन्स होता है। तो ये इंटायर फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। मतलब सेंसिटाइजेशन का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन, क्या चेक करें से रिसेप्टर का, मतलब रिसेप्टर क्या एक्टिव है और वो क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। तो अब क्वेश्चन आता है ये डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी कभी डी वर्ड आएगा ना, जब भी कभी बायो में डी वर्ड आता है, तो डी का मतलब होता है डिलीट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, डिसेंसिटाइजेशन है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि डिसेंसिटाइजेशन, याद रखिए क्या होता है, देखो अगर मान लो, ठीक है ना, मैं इसी में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मान लो कि बहुत लंबे समय तक, ठीक है, बहुत लंबे समय तक अगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करते रहा, ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक अगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करते रहा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिसेप्टर बहुत लंबे समय तक क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे लंबे समय तक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, और हम लोग बोलेंगे सेल्स बहुत लंबे समय तक क्या करते रहेगा, सेलुलर रिस्पॉन्स करते रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि प्रोलोंग्ड, अगर मान लो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस अगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर से बाइंड करते रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर कंटिन्यूअस क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, कंटिन्यूअस हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स होता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि मतलब रिसेप्टर क्या करता है, जब भी कभी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड किया, ठीक है, बाइंड करने के बाद हम लोग बोलेंगे जब भी वो सेल में सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करता है, तो ये रिसेप्टर फिर क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे डीएक्टिवेट हो जाता है। डीएक्टिवेट का मतलब हम लोग बोलेंगे डिसेंसिटाइज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक अगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इस रिसेप्टर से बाइंड करते रहेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बार बार सेलुलर रिस्पॉन्स होता रहेगा। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो बार बार सेलुलर जो रिस्पॉन्स हो रहा ना, वो हम लोग बोलेंगे हमारे सेल्स के लिए, हम लोग बोलेंगे हमारे सेल्स के लिए वो ठीक नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होना पड़ेगा, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि ये रिसेप्टर को, ठीक है, ये रिसेप्टर को अपना एक्टिविटी को टर्न ऑफ करना पड़ेगा। मतलब हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर को अपने आप को क्या करना होगा, टर्न ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। ये रिसेप्टर जब टर्न ऑफ कर लेगा, तो हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा, जी प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा तो इफेक्टर एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, इफेक्टर एंजाइम एक्टिव नहीं होगा तो सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो सेलुलर रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो ये इंटायर फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर प्रोलोंग स्टिमुलेशन ऑफ क्या चीज, रिसेप्टर विद सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, द रिसेप्टर विल टर्मिनेट इट्स एक्टिविटी बाई इट्सेल्फ। मतलब हो गया कि बहुत लंबे समय तक अगर कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर क्या हो जाएगा, डिसेंसिटाइज्ड हो जाएगा। मतलब ये अपना एक्टिविटी को क्या कर लेगा, खुद क्या कर लेगा, खत्म कर लेगा, या हम लोग बोलेंगे टर्न ऑफ कर लेगा। इसीलिए ये टर्न ऑफ करेगा क्योंकि क्या हो, हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स होना बंद हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि सेलुलर रिस्पॉन्स तभी होगा ना, जब हम लोग बोलेंगे कोई पर्टिकुलर ये टाइम पे क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग बोलेंगे ये सेलुलर रिस्पॉन्स का नीड नहीं रहेगा, ठीक है। जब तक हम लोग बोलेंगे कोई पर्टिकुलर लाइगेंड है, जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करा, तो सेलुलर रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि बार बार अगर लंबे समय तक वो सेलुलर रिस्पॉन्स अगर हो रहा है, तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एक तरह से एबनॉर्मल कंडीशन है। तो इस टाइम पे ये रिसेप्टर ही क्या करेगा, क्या कर लेगा, अपना एक्टिविटी को ही क्या कर लेगा, टर्न ऑफ कर लेगा। मतलब ये रिसेप्टर खुद इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाएगा,
इफेक्टर एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, इंट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, सेलुलर रिस्पॉन्स टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो उस फेनोमिनन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फेनोमिनन को हम लोग बोलेंगे डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एडाप्टेशन, ठीक है। और ऐसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंसिटाइज रिसेप्टर, या हम लोग बोलेंगे अडेप्टेड रिसेप्टर, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना, तो बस यही है, ठीक है ना। सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, सेलुलर रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे बहुत लंबे समय तक जब सेम लाइगेंड अगर बाइंड कर रहा है रिसेप्टर पे, तो रिसेप्टर क्या करेगा, अपना एक्टिविटी को खुद टर्न ऑफ कर लेगा, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है, या अडेप्टेशन। और इस रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंसिटाइज रिसेप्टर या GPCR, या हम लोग बोलेंगे अडेप्टेड क्या चीज, GPCR या रिसेप्टर, ठीक है ना। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसके बारे में, सेंसिटाइजेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन के बारे में, ठीक है ना। तो यहां पर देखो हम लोग को पढ़ना, कि हम लोग को पढ़ना है ये डिसेंसिटाइजेशन का मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे करके रिसेप्टर अपने आप को क्या कर ले रहा है, टर्न ऑफ कर ले रहा है, अपना एक्टिविटी को टर्न ऑफ कर ले रहा है, या हम लोग बोलेंगे कैसे करके रिसेप्टर क्या हो जा रहा है, डिसेंसिटाइज्ड हो जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग बोलते हैं कि डिसेंसिटाइज्ड होने के लिए हम लोग बोलेंगे तीन तीन मैकेनिज्म है। देखो फर्स्ट मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन। सेकेंड मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन या सिक्वेस्टरेशन। थर्ड जो मैकेनिज्म होता है डिसेंसिटाइजेशन को, उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। तो ये तीन मेथड के थ्रू क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, डिसेंसिटाइजेशन होता है, मतलब रिसेप्टर अपना एक्टिविटी को टर्न ऑफ कर लेता है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये रिसेप्टर इनएक्टिवेशन क्या होता है, ठीक है ना। मैं अभी यहाँ पर ब्रीफ में बता रहा हूँ ये रिसेप्टर इनएक्टिवेशन के बारे में, रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन या सिक्वेस्टरेशन के बारे में, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग को डिटेल में देखना, तो मैं अभी ब्रीफ में समझाता हूँ, फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो देखो रिसेप्टर इनएक्टिवेशन क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, देखो मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो रिसेप्टर इनएक्टिवेशन का मतलब क्या हो गया, कि मान लो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या हो गया, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, जी प्रोटीन है, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे इनिशियली किसके साथ जुड़ा हुआ है, GDP के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या चीज़ है, इफेक्टर एंजाइम है, यही है ना, यही कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे कि मान लो कि ये क्या चीज़ है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो कि ये किससे बाइंड कर रहा है, जी प्रोटीन से बाइंड कर रहा है। जैसे ही बाइंड करेगा ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, कौन, रिसेप्टर, और किसको एक्टिव करेगा, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन को एक्टिव करेगा। कैसे करके, तो GDP को किस में कन्वर्ट कर देगा, GTP में कन्वर्ट कर देगा, मतलब जी प्रोटीन एक्टिव हो गया। अब ये इसको एक्टिव करेगा, इफेक्टर एंजाइम को, क्या होगा, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बनेगा, क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, ये हम लोग को पता है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कि बार बार अगर मान लो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं बार बार, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर को क्या करना होगा, अपना एक्टिविटी को टर्न ऑफ करना होगा। तो ये कैसे करेगा, तो ये पहला मैकेनिज्म को यूज करेगा, या दूसरा या तीसरा को। तो फर्स्ट मैकेनिज्म क्या होता है, देखो रिसेप्टर इनएक्टिवेशन, मतलब यहाँ पर ये रिसेप्टर क्या करेगा, देखो ये कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर और ये जो जी प्रोटीन ना, उसके बीच का क्या होगा, इंट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो तुम लोग खुद सोचो कि अगर रिसेप्टर और जी प्रोटीन के बीच का इंट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर कितना भी लाइगेंड से बाइंड करे ना, जी प्रोटीन तो एक्टिव होगा नहीं, जी प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज नहीं एक्टिव होगा, इफेक्टर मॉलिक्यूल या इफेक्टर एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए याद रखना, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन का मतलब हुआ कि क्या, हम लोग बोलेंगे कि जो रिसेप्टर है और जी प्रोटीन के बीच का इंट्रैक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया, कट ऑफ हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कट ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन रिसेप्टर एंड एक्टिव जी प्रोटीन, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। तो ये पहला मैकेनिज्म होता है, कैसा होता है ये हम लोग देखेंगे डिटेल में, अभी बस ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ। सेकंड मैकेनिज्म क्या है, रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन, ये हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्वेस्टरेशन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन या सिक्वेस्टरेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि अगर मान लो कि बार बार अगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ रहा है, बार बार सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है ना, तब क्या होगा, तब देखो ये रिसेप्टर क्या करेगा, अपने आप को क्या कर लेगा, हम लोग बोलेंगे
सेल के अंदर चला जाएगा टेम्परेरी, जिसको जिस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंडोसाइटोसिस करके। तो ये रिसेप्टर क्या करेगा, देखो ऐसे करके हम लोग, मैं दूसरा डायग्राम से बताता हूँ ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है देखो ये क्या चीज़ है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ठीक है ना, और ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन है, यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे GDP जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या चीज़ है इफेक्टर एंजाइम है, यही है कॉन्सेप्ट ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है लाइगेंड है, ये जुड़ा तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये जी प्रोटीन क्या होगा एक्टिव होगा, एक्टिव सॉरी रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो जी प्रोटीन को एक्टिव करेगा। GDP किस में चेंज होगा, GTP में चेंज होगा, इफेक्टर मॉलिक्यूल एक्टिव होगा, इफेक्टर एंजाइम एक्टिव होगा, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनेगा और हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, यही होगा ना। तो रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन करके भी हम लोग, या रिसेप्टर सिक्वेस्टरेशन भी करके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स को रोका जा सकता है ठीक है ना। तो अगर मान लो कि बार बार अगर मान लो कि हम लोग बोलेंगे लाइगेंड बाइंड कर रहा है ठीक है ना, तो रिसेप्टर आइदर क्या करेगा, फर्स्ट मेथड को यूज़ करेगा, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन कट ऑफ कर लिया, किसके किसके बीच में सिग्नल, रिसेप्टर और जी प्रोटीन के, एक्टिव जी प्रोटीन के बीच में। सेकेंड ये क्या करता है देखो, ये क्या करेगा ना, ये रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे इंडोसाइटोसिस करके सेल के अंदर आ जाएगा ऐसे करके ठीक है, ऐसे करके इंडोसाइटोसिस करेगा और हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर आ जाएगा ठीक है। इंडोसाइटोसिस करके ये कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेल के कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ऐसे करके ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर सेल के अंदर आ जाएगा टेम्परेरी आएगा ठीक है ना, ठीक है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेम्परेरी आएगा ठीक है ना। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अब कितना भी लाइगेंड आ जाए, ये रिसेप्टर तो कहाँ आ गया, सेल के अंदर आ गया, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन। सिक्वेस्टरेशन का मतलब होता है सेल के अंदर आ जाना, किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ठीक है। तो अंदर आ गया अब यहाँ पर कितनों भी लाइगेंड आ जाना, ये रिसेप्टर से तो बाइंड नहीं कर पाएगा, रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो जी प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा, जी प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा तो इफेक्टर एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, इफेक्टर एंजाइम एक्टिव नहीं होगा तो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, सेलुलर रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये सेकेंड मेथड होता है किसका, डिसेंसिटाइजेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि थर्ड मैकेनिज्म क्या होता है डिसेंसिटाइजेशन का, तो थर्ड मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन ठीक है ना। तो रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, तो देखो रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया ना, कि रिसेप्टर को क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, या हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर को क्या कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, डिस्ट्रक्शन, या हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ क्या चीज, रिसेप्टर ठीक है। तो कैसे करके हम लोग बोलेंगे, तो लाइसोसोमल एंजाइम्स के प्रेजेंस में। तो थर्ड जो ये होता है डिसेंसिटाइजेशन का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इंडोसाइटोसिस करके जो रिसेप्टर है ना ठीक है, वो रिसेप्टर आइदर हम लोग बोलेंगे रिसाइकिल करके फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, साइटोप्लाज्म में पहुँच सॉरी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाएगा ठीक है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाएगा, या फिर हम लोग बोलेंगे ये जो मतलब रिसेप्टर है वो किससे जुड़ जाएगा, लाइसोजोम से जुड़ जाएगा ठीक है। तो जब लाइसोजोम से जुड़ेगा तो ये रिसेप्टर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा ठीक है, या हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रॉय हो जाएगा ठीक है। तो रिसेप्टर अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा, जी प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा तो इफेक्टर एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, इफेक्टर एंजाइम एक्टिव नहीं होगा तो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, सेलुलर रिस्पॉन्स रुक जाएगा या नहीं होगा ठीक है। तो ध्यान से अगर तुम लोग देखो ये सारा का सारा जो भी मैकेनिज्म है ठीक है, वो सारा का सारा हम लोग बोलेंगे डिसेंसिटाइजेशन का मैकेनिज्म है, मतलब सारे के सारे केस में क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स क्या हो जा रहा है, रुक रहा है। क्यों रुक रहा है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे प्रोलॉन्ग क्या चीज़ हो रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किसके जुड़ रहा है, रिसेप्टर से जुड़ रहा है, तो रिसेप्टर को क्या करना पड़ रहा है, अपना एक्टिविटी को टर्न ऑफ करना पड़ रहा है। तो रिसेप्टर तीन तरीके से अपना एक्टिविटी को क्या कर रहा है, टर्न ऑफ कर रहा है, पहला हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर इनएक्टिवेशन, दूसरा रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन या सिक्वेस्टरेशन, तीसरा हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। ये तीन मेथड के थ्रू क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर अपने आप को क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर अपने एक्टिविटी को, या हम लोग बोलेंगे डिसेंसिटाइजेशन कर रहा है ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर इनएक्टिवेशन होगा, कैसे करके रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन होगा, कैसे करके रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन होगा ठीक है ना। ये अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में वन बाय वन ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।